हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। फ्लैट से हितेश जी जा चुके हैं, भानु जा चुके हैं अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, टीपू भाई भी जा रहे हैं, फिलहाल मैं भी जा रहा हूँ अपना बियर्ड ट्रिम करवाने और हल्का फुल्का हेयर कट लेने के लिए। ये लोग क्या करने वाले हो तुम लोग? हम भी चल रहे हैं। अच्छा, तुम चल रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम तीनों हम एक अलग जा रहे हैं और आज एक बार मुझे कपड़े वगैरह देखने, अगर बाय चांस कम पड़ते हैं तो थोड़ा बहुत शॉपिंग करके आएंगे। हेयर कट वगैरह तो ये सब करा ही रहे हैं अपन लोग। yes. और पैकिंग वैकिंग आज पूरा दिन इसी में जाने वाला है। हाँ. शाम को भानु के घर पे भजन है, उनको भी अटेंड करके आना है। हाँ, वीडियो भी अर्जेंटली बनाना है। हमेशा ऐसा ही होता है मेरे साथ। मुझे व्लॉग्स भी एडिट करने हैं, तीन चार। थोड़ी बहुत अपलोडिंग भी करनी है। अपलोडिंग भी करनी है यार। ईयरबड्स लेके चलना तू साथ में ना। क्यों? मैं वहीं बैठा बैठा संजीव के पास मैं एडिटिंग कर लूंगा थोड़ी सी। अच्छा। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से फटाफट। हाँ, चलो एक सेकंड, बस एक सेकंड, बात वो कर रही हूँ थोड़ा सा। खोल तो लो यार। मैंने तो पता है, मैंने पता है 6 दिन से बाल नहीं धोए। अरे बारे छी, तो 5-6 दिन हो गए। अरे राम यार, मैं ना धो रही थी, फिर मेरे को जोर आ गया, फिर मैं एक एक दिन करती गई। मैं को ओ अल्लाह, तो 25 तारीख आ गई, संजीव भैया के जाके धो लूंगी। गाइस, अब सुबह से मुझे टाइम मिला है, मैं लिटरली सारे टाइम बस कामों में लग रही थी। अब मैं जाऊंगी पैकिंग करने और मीकू, हितेश भैया और टीपू भैया तो जा रहे हैं। टीपू भैया तो वो बैग सही करा रहे हैं जो टीपू लेके जाएंगे। मीकू नया बैग लेके आ रही है क्योंकि उसकी चेन खराब हो गई थी, बट देखते अगर सही होगी तो ले चलेंगे, नहीं तो टीपू भैया आपको भी देख लो और जुगाड़ देखना पड़ेगा, उसकी चेन खराब है। और मीकू और हितेश भैया और भी दो तीन थोड़ी बहुत चीजें लेने के लिए जा रहे हैं, लास्ट मिनट चीजें जो हमेशा ट्रिप में चाहिए होती है, तो अच्छी बात है भाई। सर, अपने पास टाइम होना तो अपने पास टाइम नहीं होता। एक महीना हो गया हमको ये पता हुआ है कि हमें यहाँ ट्रिप पे जाना है, उसके बावजूद भी देख लो लास्ट मिनट चीजें। थोड़ी सी सॉरी तो है, मतलब सब कुछ चीजें ऑनलाइन मंगा ली तब भी चाहिए। अब यार वेट शूज वगैरह तो ऑनलाइन, तुम क्या? नहीं नहीं, मेरी चप्पल मैंने ऑनलाइन मंगाई थी पर वो सही नहीं। हाँ, वो अब सही नहीं आया, जिसकी एक अलग बात है। मिकू सुन, मेले भी गया, चप्पल ले आना प्लीज यार, तू बीच में कैसे आ गई? सुन सुन सुन, और नाइट सूट भी ले आना। तो दीदी के लिए ही लेके चल रहा हूँ, तू क्या सोच तेरे लिए? अगर ऐसा काम दीदी मैं आपके लिए तू रह जा, तू तो चलता है। मैं तेरे को बैग लाना था, कल कपड़े इस बैग में ले आऊंगा। नहीं, मैं मेरी पसंद नहीं है। ले जा, जल्दी जा, जल्दी जा। घर पे इस वक्त कोई भी नहीं है। कोई आया? कोई आया? कौन आया? कौन है? मैं अभी ये पैकिंग कर रही थी और ये आ चुका है, बाकी सब लोग तो चले गए। ठीक है, सब तो बैग वगैरह लेने के लिए गए हैं। हाँ, okay. मुझे पता है, मैंने बताया सबको। अच्छा, और मैं अपनी पैकिंग कर रही हूँ, सुन रही हूँ राजस्थानी गाने और ये और मेरा मी टाइम है। अनबॉक्स करता हूँ पार्सल्स वगैरह, अगर मुझे कुछ जरूरत है और लाने की तो तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। तू पागल है? हाँ यार, क्यूट लग रहा हूँ ना, बियर्ड कटा के क्यूट है ना? गलत फहमी। ओ यार सूरज, मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं मेरे कपड़े देख रही हूँ। मैंने भी पता है, एक पार्सल खुला, इतने प्यारे कपड़े निकले मेरे तो। बताओ अभी तक पूरा पैक का पैक ही है। ये क्या है? प्यारा सा पर्स। इट्स नाइस। ये देखो, अच्छा लग रहा है। ये प्यारा सा पर्स, नाइस, क्यूट। शॉर्ट्स गिनता हूं, पहले तो एक शॉर्ट हो गए, एक सैंडो, ओके, रेड बीच बॉडी दिखाने के लिए, और बॉडी तो बनी नहीं पाई। देख, एक कॉर्ड सेट ये हो गया मेरे पास। अच्छा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा में शर्ट मंगा रखी है मैंने। गुड, ठीक है। एक अपन जो रात को शूट करेंगे ना, एकदम क्लासी वाला, ठीक है, उसके लिए ब्लैक आउटफिट मंगा रखे हैं। ठीक है। तीन, एक मैंने एक्स्ट्रा में शर्ट मंगा रखा है। ये मेरे वहाँ के लिए स्लीपर्स। ज़ारा के स्लीपर्स आर नॉट कम्फर्टेबल, बाकी तू देख लेना, मैं तो बता रही हूँ तुझे। नहीं, ये तो कंफर्टेबल है। चल ठीक है, और तेरे तीन वो और हो गए, सो आई थिंक। हाँ ठीक है यार, या फिर भी कम लग रहे हैं मुझे तो। कम लग रहे हैं 5 दिन के लिए पहनने के लिए तो है। एक मिनट, एक शर्ट हो गई, तीन, ये तो सिर्फ रात के शूट के लिए पहनूंगा, पूरे दिन तो पहन नहीं सकता। दो शर्ट हो गई, एक और सेट हो गया, बस दो और कौन से था, तो कम है। कम है ना, दो चार तो और चाहिए कम से कम। मैं चाहता हूँ ज़ारा जाता हूँ, छोड़। और तू जाएगा कैसे ज़ारा? मस्त टाइम से। क्या अकेले जाएगा? क्या अकेले जाता हूँ क्या? तू ले आएगा कपड़े? ये एक्स्ट्रा में एक शर्ट पड़ी थी, इसको रख लेता हूँ साइड बाय साइड, एक बार बैग जमा ही लेता हूँ यार मैं भी, क्योंकि तो बुद्धू लड़का है यार। ये शर्ट और ये मेरा एक आउटफिट, ये भी हो गया, ये बीच के लिए हो गया, और कहा था, एक ये हो गया बीच के लिए, एक गोवा बीच के लिए, एक लक्षद्वीप बीच के लिए। ओके okay. हालांकि हमें पता नहीं है कि हम कहाँ उतरेंगे कहाँ नहीं उतरेंगे, हमें कुछ आइडिया नहीं है। और ये एक वो ड्रेस बहुत हंसे थे, तो इसका शॉर्ट्स, ये वो अपर काम में आ जाएगा, शॉर्ट्स वो पहन सकता हूँ। इसका कोऑर्डिनेटिंग आउटफिट, दो तीन आउटफिट मुझे शायद और चाहिए, तो बहुत कम हो गए ना। यू श्योर? मुझे ऐसा लगता है चाहिए मेरे को दो तीन आउटफिट। तो फिर तू चल यार, मीकू और हितेश भैया को बुला ले, वो लोग पीछे ही, उनके साथ चले जा। वो लोग तो अलग जुड़ी हो गए हैं यार, मैं ज़ारा जाऊंगा, वो बैग लेने भी जाएंगे, बहुत घूमेंगे, देर में मैं पहुंच के ले लूंगा अपने कपड़े। चल ठीक है, फिर मैं तो शॉपिंग मेरी यहाँ पे वो कर रही हूँ और वीडियो भी बना रही हूँ पैकिंग का। तो तेरी पैकिंग कर ले, क्योंकि तेरे को तो बहुत टाइम चाहिए पैकिंग वैकिंग में भी। फिर मैं वापस आके अपने कोऑर्डिनेटिंग कर लूंगा। मतलब नहीं, पैकिंग की मैं कर दूँ, मेरी पैकिंग कैसे करेगा? तो बताती जा, मैं रखता जाता हूँ। नहीं यार, चल तू जा जा जा। तो तेरे कपड़े कौन लाएगा? कोई आएगा? वो तो बाद में भी आ जाएंगे, टाइम है अभी तो मेरे पास। कहाँ टाइम है तेरे पास? 7 बज रही है, निकल। मेरे लिए खुला रहता है वो, तो कोई दिक्कत नहीं। सही बात है, तेरे काका जी का ही तो है वो।
मेरा है। तो गाइज मीकू को है ना, मीकू को सबसे अच्छा बैग और सबसे सबसे महंगा बैग पसंद है अमेरिकन टूरिस्टर का। गाइज ये ना मेरा बैग और काफी सुंदर बैग है, पर इसमें ये दिक्कत है कि हमने ना ट्रांसपेरेंट वाला कवर आता है वो लगवाया, तो स्क्रैचेस चांसेस है। वैसे तो स्क्रैच प्रूफ देती कंपनी, बट स्क्रैचेस के चांसेस होते हैं, तो हम फिर कल करवाएंगे, आके करवाएंगे हम इसको। यार गाइज यार अगर दो दिन पहले मैं ले लेती ना तो यू लैमिनेट कर देते यार इसको, पर कोई बात नहीं भाई, ये इतना बड़ा बैग है कि तू भी आ जाएगी इसमें। हाँ यार बहुत बड़ा बैग है ये, मैं तो सोच रही हूँ। और ये स्पेशल वाला लॉक है इसमें, कि ना अगर कस्टम में कोई भी दिक्कत आती है, कभी उनको है ना इशू आता है कि इस बैग में चेक करना है, तो इसमें एक की आती है, वो कस्टम वालों के पास ही होती है सिर्फ और सिर्फ। अगर इसमें लोकल अपन लेते हैं कोई भी बैग, उसमें जिसमें लॉक आता है लोकल वाला, तो कस्टम वाले तोड़ देते, तो हमने वाला लिया है कि ना कस्टम भी अगर चेक करे तो इसमें चेक कर लेगी वो, क्योंकि इसके कुरकुरे चिप्स बहुत सारे लेके जाते हैं। यार मैंने अभी तक वो भी खरीदारी नहीं करी। गाइस आज आज इसको फुल ऑथराइज्ड मिला है आगे से हमारे बॉस से, कि है ना इसको फुल 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 शॉपिंग करानी, जो हाथ रख देना ही है वो दिला दो इसको। तो मुझे कार्ड दे दिया, ले भाई जो इसको हाथ चाहिए, जो चाहिए दो पांच चप्पलें जो भी चाहिए वो दिला दे। तो इसको मैं दिलाने जा रहा हूँ आज। अब देखो 8 तो बज गए, अब मुझे कब मिलता है भाई। आज आज आप एज वो मेरे एज अ मैनेजर, मैं एज अ मैनेजर हूँ, आप मेरे, वैसे तो मैं असिस्टेंट बोलने वाली थी पर गाइस ये एज अ मैनेजर है, तो अब हम जूडियो जा रहे हैं। तो मैम थोड़ी बहुत शॉपिंग, मतलब दो चार पजामे, मैं ऐसे नहीं होता भाई, आपने तो कर ली यार, तो क्या होगा लगे हाथ। नहीं भाई ऐसे नहीं होता, पहले आप बॉस से परमिशन लीजिए। अरे चलना शेमड़ी उतार दूंगा यहीं पे, पैदल पैदल लड़ जाएगी। तो गाइस चलो जूडियो चलते हैं मैम को शॉपिंग कराने, फिर दो तीन जगह और जाना है इसको, दो तीन चीजें खरीदने वहां भी जाना पड़ेगा हमें। तो आज का समाप्त हो गया मेरा प्रोग्राम। कुछ भी चाहिए क्या नीचे तेरे को? गाइस मैंने ले लिया है जो मुझे चाहिए था, बहुत मुश्किल से मिला, साइज का पता मिल ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से मिला, बहुत ज्यादा। विदेश भाई यार चिल्ला क्यों रहे हो मेरे पे? ये पागल है यार, जब 6 दुकानों पे ले गए इसको, ये चीज भूल गई, ये चीज भी लानी है, ये धनु के लिए लानी है, मेरे लिए लानी है, अब वहां तक लेके आ गया, पूरी बेकरी वेकरी सब निकल गया, बोल रही है भैया खाने के लिए तो कुछ दिया ही नहीं, अपने स्नैक्स और ये सब बिस्किट बिस्किट। भाई एक तो मैंने अच्छी बात बोली है, बात है। चले गए तो मुझे बोले तुझे खाने के लिए कुछ नहीं लिए तेरे डिपार्टमेंट का। जब तू मुझे बोलती ना वहीं पे आ गई थी दुकान, अब देख दोबारा से घूम के कितना राउंड लगा के आना पड़ेगा। तो क्या हो गया भाई, क्या हो गया यार? नहीं लगाओ राउंड यहीं पे करो, राउंड लगाओ गाइस अपने हिसाब से रखे जा रहे। और क्या लेना है और देखते हैं घूमते हैं। तो मैंने एक्स्ट्रा शॉपिंग कर ली है, बाय चांस कहीं कमी नहीं पड़नी चाहिए क्रूज पे शूट कराते वक्त, इसलिए दोस्तों ढेर सारी शॉपिंग डन। अब क्या क्या लिया है वो आपको मैं फ्लैट पहुंच के बताने वाला हूँ, अभी फिलहाल चलते हैं फ्लैट। ऐसा बहुत ही कम होता है कि मैं अकेले शॉपिंग करने के लिए आता हूँ, जब अकेले आता हूँ तो सिर्फ शॉपिंग हो पाती है या फिर शूट कर सकता हूँ। तो अभी सिर्फ शॉपिंग करिए, क्या शॉपिंग करिए वो आपको फ्लैट पे जाके बताता हूँ। फिलहाल मैं गाड़ी कहाँ खड़ी करके आया था वो भूल गया मैं। गाइस मेरी कार वहाँ खड़ी है मस्टैंग, और इन कार के पीछे मुझे वो कार दिखी नहीं, और मैं सोच रहा हूँ कि मैंने गाड़ी कहाँ खड़ी कर दी। ओ भाई ये कहाँ से आ गए? पास खेल के आए हम लोग। ओहो हो आंटी तो पहले फाक खेली हुई हो रही है, देखो कितने कलर की साड़ी पहनी है। हाँ। उधर देखो जरा, ओ हो हो वाह दिखाओ, गाड़ी में से सूट मिला है बाबा, और तुम्हारे लिए प्रसाद भी लाए हैं। अरे वाह बड़े सुंदर लग रहे हैं, ये देखो इधर है, ये इनके ना मुंह पे वो आ रही है टोपर। अरे वो सर्दी थी ना तो फिर टोपर ऊपर लगा के ले गए थे, भाई बच्चे को ठंड लग जाए तो फिर। अच्छा वो कहाँ गई? कानों को ठंड नहीं लग रही थी आंटी। अच्छा अच्छा वॉशरूम गई है तो ये भाई लड़कों का वॉशरूम है। लो मीकू पकड़ो खाना जी। अरे अभी तो वो है, हाथ गंदे हो रखे मम्मी, धो के आता ले मैं टॉयलेट जाऊं बेटा, बहुत तेज लग रही मेरे को। सूरज आंटी खाना खाने गया हुआ है हितेश भाई के साथ। मतलब ऐसे किसी की पार्टी वार्टी भी नहीं, ऐसे ही बाहर का खा पी के अपना फ्री हो जाएगा भाई, हमारी खाने वाली आंटी तो आई नहीं है। उनको अगर आप ये बोल दोगे ना कि हम आगे की छुट्टी दे रहे हैं, जैसे दो दिन या तीन दिन पहले बोल दिया आगे छुट्टी दे रहे हैं, तो वो अगली पहले दो दिन की छुट्टी लेगी। गलत बात है ना, तो अगली बार से नहीं बताएंगे, ये तो गलती हो गई हमसे। बताओ जिस दिन नहीं हो उस दिन बताओ भाई, अब क्या करें, दिन की छुट्टी जा रहे हो फिर भी आज बच्चों को बना के खाना नहीं। यार क्या करे आंटी, क्या ज्वेलरी कली तो आई है, आपको कैसे पता? मैंने देख ली, देखना इसमें ना ये ज्वेलरी है, बस मैं एक बार यूज कर लूँ फिर आप दोनों बांट लेना। खोलना इसको, मैंने देख ली थी कल, पहले तेरा काम कर ले फिर ले लूँगा। सही बात है, देखो सुंदर है ना आंटी, इसमें शायद 4 सेट है, 4 ही सेट है, दो दो करके बांट देख लिए थे मैंने। मीकू की चप्पल पहली, चल के देखो, चल के देखो, चलो चलो चुभी। हाँ तो रख लो, हाँ तो आप रख लो। सुनो जुराब पहन, लेकिन आंटी गिर गिर गई तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत ऊंची ऊंची गिर पड़ जाएगा बाबा, बहुत ज्यादा ऊंची चप्पल, समझ में भी आती वैसे होती तो वो ले लेते, लेकिन इतनी ऊंची भैया गिर पड़ जाएगा कहीं, कुछ ज्यादा ही है वो थोड़ी, बहुत ज्यादा ही है। तुम शूट वगैरह पे काम में लेना, तुम्हारी तुम तो काम वैसे ही लेना, कभी फाक खेल के आए भाई हम तो बाबा के साथ, वो तो देख लिया हमने। अरे ये तो हमारे ब्लाउज है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है,
ये इसके सूट लाई हूँ ना घर से। अरे वहाँ एक्चुअली आते ही हम लोगों को मतलब ऐसे 2 तारीख को हम लोग लैंड कर रहे हैं, 3 तारीख को साहिल भैया की शादी है, तो उसकी भी देखो यहाँ पर तैयारियां चल रही है। मम्मी को ही सूट दे रही है जिसको इसको फिटिंग विटिंग का कराना है। वहाँ पर मेरे 2 लहंगे पड़े हैं और जो सूरज और मेरा जो एक्चुअल मतलब कपड़े है ना वो अभी तक आए भी नहीं है, पता भी नहीं है टाइम ले आएंगे या नहीं। ऊपर से पहले मैं अंदाजा लगा लूंगा। अरे तो ये तो निकाल है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं वैसे अंदाज लगा लूँ। सही है, नहीं है बहुत बड़ा है डैडी। एक एक यहाँ से जाएगा ये, कहाँ से? हाँ इतना जाएगा ये। आपके फोन डैडी फोन बज रहा है जेब के अंदर, देखो उनको पता ही नहीं है। टीवी तो रेडी होके आ चुके हैं भाई, वहाँ पे ना वो लोग हमारी तैयारियां कर रहे हैं। देखो तीनों आ चुके हैं सचक में जाके। बस मैं तो ऐसे ही रहूंगा, ऐसे 2 घंटे बाद निकल जाऊंगा। ठीक है, कुछ प्राची को बोल के आया ना तो बोल के तो आएंगे ही। मैं तो सुबह छोड़ के आऊंगा जब जाओगे। मस्त लग रही है। हम भाग खेल के आए बाबा के साथ। बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। आपने ये नहीं बोला था ना साड़ी मस्त लग रही, तब तक ही पूछती जाती है और अब आपने बोल दिया तो अभी शांत हो जाएगी। बेटा बेटी बोलते तो खुशी होते हैं उसमें, क्या है? बच्चे खुश तो बड़े भी खुश। ओके यार कभी डैडी के लिए बोल दिया अगर अच्छे लग रहे हो तो। यार आप एक मुझे बात बताओ, आप हर कीर्तन में 3 कलर के कुर्ते पकड़ रखे हो, वही पहनते हो 3 कलर के? एक तो ग्रीन है, एक स्काई ब्लू है, एक व्हाइट है। अच्छा कोट था क्या? ये मुझे नहीं पता था ये कोट था वहाँ का, तो ये पहन के जाना था। ओके अब यार आप हमेशा ऐसे कपड़े पहनते हो तो आपको अलग क्या बोले? यार कभी तो तारीफ कर दिया करो हमारी भी। तो आप सूट पैंट, सूट पैंट पहन के उस दिन करेंगे? सूट वो तेरी मम्मी को बोल रखा, वो निकालती नहीं है यार। बोल कितना बोल दे तेरी मम्मी को एक बार, तू बोल वो नीले वाले सूट के लिए बोल इसको। कौन सा नीला सूट आ गया? वो आपको समझ जाएगी बोलने की जरूरत। शादी का कहाँ आएगा आप? आपने पेड़ देखो शादी का नहीं, तू तो ब्लू वाला बोल दे। ब्लू हाँ ब्लू सूट निकाल देना, ड्राई क्लीन करवाना उसको। सही बात है, शादी का सूट पहनोगे आएगा ही नहीं आपके पेड़ में, नहीं आएगा। हाँ देखे मालूम तो चले ना कितना मैं फूला कितना इसमें, क्या हम बता देते ना आपको? नहीं तुम्हारी तो मैं नहीं मानता। आंटी आपकी वो अंकल को आ जाती है क्या साड़ी, मतलब शादी वाले सूट वूट आ जाते हैं क्या अंकल को? नहीं आते ना। ये भी बहुत पतले थे, अभी मोटे हो गए। शादी के बाद हर कोई मोटा कैसे हो जाता है यार? लेकिन ट्यूब आपका तो उल्टा है। मैं चेंज कर देख आंटी कितनी पतली थी दिखाओ। ये सूरज है ये आंटी, और ये सूरज है इसको क्या हो गया? बस लग रहा है। और ये आंटी है, और आंटी तो बहुत पतली हो। तेरी मम्मी से भी नहीं? मम्मी से पतली तो नहीं, मम्मी तो बहुत ज्यादा। तो फूंक मारे तो उड़ गए ऐसी थी। हाँ बहुत ज्यादा पतली थी। तो उड़ी तो नहीं है? उड़ी तो नहीं, मैं उड़ा ही नहीं, अगर उड़ाता तो। अल्लाह भैया बात सुन लो। आंटी आपको भी ऐसे बोलते हैं क्या अंकल? देखो अंकल क्या बोलते हैं, अंकल की औलादी बोलती है। क्या बोलती है? मम्मी पतली थी, मेरे पापा ने खिला खिला के मोटा कर दिया। अरे वाह। इस पिछले आधे घंटे से इस कट के लिए हम माथे को पटक रहे हैं, यहाँ से हुई नहीं रही ना, गाड़ी को हिला लिया, सबको बुला लिया, गार्ड साहब सबको बुला लिया, बहुत मुश्किल से निकली 15-20 मिनट बाद। चल फाइनली निकल गई, चल अब मैं लगवाता हूँ आगे स्वाद। इतनी पॉज खड़ी, अरे बहुत पॉज भाई, एक उंगली का गैप भी हल्का सा मूवमेंट भी करे तो टच हो जाने के चांसेस 20-50 में आगे पीछे कर करके हो गए। चल कम से कम 20 मिनट तक आगे पीछे, ऐसे इतने इतना इतना आगे इतना पीछे, इतना आगे इतना पीछे, इतना आगे इतना पीछे, फाइनली सेट हो गई। अभी भी हमने किसी और पार्किंग में लगाई। अपनी नहीं पार्किंग? नहीं नहीं ये वाली अपनी पार्किंग। बता देख ये रखा हुआ था, उसके बाद भी कोई हटा के लगा गया। और देखो पता है इस गाड़ी के पीछे देख VLC को ही वो दबा गया, देख वो नीचे VLC है इसको दबा दिया। तो 3-4 और कर लो। क्या करने की बात हो रही है? अरे अपने वहाँ पास में चटका मटका है। और मेरी बात सुनो, मेरी मम्मी पता करती थी, मेरी मम्मी ना किटी पार्टी, किटी पार्टी करती थी, 5-6 आंटी साथ में बैठ के किटी पार्टी की बातें चल रही है। अरे कुछ खाने गया था मैं और तेज जी। कितने सेक्सी पत्ते लाए टी हुई है देखो, इससे इसको इसके लिए डेडी क्या बोलते हैं, तुम लोग अब किट्टी पार्टी करना चालू कर दो मम्मी को और आंटी को। सही बोल रहा हूं, इनकी एज हो गई यार किट्टी पार्टी की, अपने पास में चटका मटका है ही, वो बुक करवा देंगे। और यार क्या पत्ते लेके आए। अरे के देखो ये एक और है, ये ब्लैक है, ब्लैक मैंने खोले नहीं, खोले मेरे भाई साहब ये असली सोने के, अपने हाथ में लगाओ। नाना खूब खेल दे दे नाना, गाँव में टाइम खूब होता है लोगों के पास, अभी भी खेलते हैं सारे जन खेलते हैं। तो 10 बजे खाना वाना खा के चौपाल में बैठ जाते हैं सब खेलते हैं। ये खोलिए कैसे मुझे दिख रही है इनकी छोटी सी नजर से, मेरे पास पैसे रखे जाते हैं। अरे सूरज आराम से यार, फिर रखेंगे गाय में हो जाएंगे। एक और डब्बी है। ओके वो पुराने वाले ग्लास खोल ही नहीं रहा ना कहीं से, पैकिंग हो गई तुम्हारी। लो कपड़े दे दो, ये धोने के होंगे। ओए सेक्सी है भाई, सेक्सी है तो। ओल तुझे आता है क्या? शानदार तुझे आता है? अरे मस्त है लड़के, तुझे आता है क्या? अरे आंटी सबसे बड़ा खिलाड़ी है ये और बादशाह बोलते हैं हमें।
किसको और आंटी कैसे खेलते पैसों के साथ? आंटी लेकिन हम पैसों के साथ ही खेलते आप लोग इंजॉय करें सत्संग यार हम तो आई नहीं पाया टाइम ही नहीं मिल पाया फिर ऐसी तबीयत भी खराब थी तुम आके भी क्या करते थे चलो तुम तुम्हारा काम कर आप लोग को तो बस हम मिलने तेरे वेट करते मेरे तेरी मम्मी से मिल ले 7-8 दिन तक मैं पापा से कहती थी मम्मी वाले छोड़े हां नए वाले पहना दे मम्मी पर मैं कह रही थी मैं उसके पास जा रही हूं बोले हां जा जा 4-5 दिन तक बात नहीं कर पाएगी तो तेरे को नींद ही नहीं आएगी वो किसी कोई भी नहीं कर पाएगा ये तेरा मेरे पास है टीकू तेरा नहीं है मेरे पास नहीं मेरे पास मेरे को तेरा भी नहीं मिल रहा मेरे को मिली तो डिजी लॉकर कर ले तो डाउनलोड क्या अगर कार्ड मेरे को पुराना वाला डैडी के साथ भेज दू सुबह है क्या आपके पास हाँ तो भेज देना वो कैसे चलेगा इतना पुराना अरे तो अभी भी होता है पहले वही तो यूज कर रही है वो वही तो यूज कर रही है मेरे पास मैं भेज दूंगी नाम और शक्ल सुबह डैडी छोड़ने आएंगे फिर भी तू एक काम कर 11 पासपोर्ट भी रख ले मैं भी इस बात पे कुछ कहना चाहूंगी पहले बात तो सुन एक पहले बात सुन लिया बात बता मुझे पता है इसने क्या किया मैं ये कह रहा हूँ कि जीवन में इतना पैसा कमाऊं तुम्हें प्राइस टैग देखने की जरूरत ना पड़े बेटा बहुत थकाओगे ऐसे अगर तुम ऐसे कारनामे करोगे तो थकाओगे यार गाइस अभी क्या ये लोग मेरी क्लास लगा रहे हैं मैं गलती से सीके की वो ले आया अड्डी अब ये एक आती 2000 रुपए की तो हम सही क्लास लगा रहे गलत नहीं लगा रहे मतलब 4000 की सिर्फ 2 पीस है वो और वो गायब मुझे पता भी नहीं चलती मैं सोच रहा हूं इसको पहनता नहीं और लगा देता हूं कहीं पे प्रेम में मैं आपका असर आ गया बाप का सर आ गया पता है क्या 200 रुपए की अंडरवियर आ रही है एक आ रही है 400 रुपए वाली अंडरवियर का एग्जांपल मतलब टी शर्ट का लो हाँ। टी शर्ट आ रही है तो वो महंगी वाली अच्छी है सस्ते वाली अच्छी है नहीं बेकार है सस्ती वाली चीज इनको खराब लगती है महंगी अगर चाहे वो चीज खराब हो लेकिन अगर उसके प्राइस ज्यादा हो तो वो अच्छी है अरे आप लोग लेट हो रहे अब तो ऐसे ही बोलेगा हमारे को तो और क्या बोलेगा बोलने के लिए कुछ है ही नहीं वो क्रूज पे जा रहे हैं भाई कंपनी की तो चीज कंपनी की होती है देखो कुछ भी अब क्रूज में वो पानी में उतरेंगे तो कम से कम कपड़े तो अच्छे होने चाहिए 2000 की दिखाना सॉफ्टनेस देखो हम लोग सॉफ्टनेस अरे वो सॉफ्टनेस छोड़ तू देख वही कपड़ा है वही कपड़ा है और वही इलास्टिक है इसकी इलास्टिक और खराब हो रहा है देख इसमें चड्डे दिखा रहे मेरी किसी टी शर्ट नहीं देखी गलत ही बता दिया मैंने इनको यार ये ले क्या 2000 में ये भी इंक्लूड है ये भी रख ये 550 रुपए हटा दो 550 रुपए करता है तो समझदार है दोस्तों रात के बज रहे हैं 12:30 है ना 12 बज रहे और याद है कि जूते साफ कर लेते हैं फैलावड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है सब समेटने थे उसके बाद ढूंढते थे आधार कार्ड खाना नीचे से लेकर आता हूँ तेरा बैग तो जमा लिया तूने देखा कैमरे की बैटरी है नहीं है गोप्रो रखा है नहीं रखा मैं बताता हूँ मैं मेरा कैमरा ले आया ड्रोन आ गया कैमरा ये रहा सामने एफएक्स उसके दोनों लेंसेज गोप्रो एक 360 और वो प्लस वो स्टैंड भी लेकर आया एक्स्ट्रा और बाकी सारी चीज आ गई भाई अपन और एलसीडी ले चल रहा है मैं स्क्वायर वाली लाइट ले आऊं सनसेट में वही शूट हो जाएगी फालतू कैरी करने के लिए हां ठीक है सब शूट ही शूट है 5 दिन अपना भयंकर और उधर होगा भयंकर कसम से दोस्तों देखो हमारे पास इंटरनेट वगैरह कुछ होगा नहीं आपने देखा पत्ते की दो जोड़ी लाए वो भी अलग से जल्दी यार उनो भी ले लो यार अरे उनो कौन खेलता बकवास 3 दिन पहले दिल्ली से मंगवाई है दोनों की दोनों जोड़ियां अच्छा भाई हमको भयंकर है लगता अरे भाई अभी तो भाई पैकिंग करके सुबह टाइम से निकलना है अपन लोग को यार मुझे ना सबसे बकवास चीज ना वो ट्रैवलिंग लगती है यहाँ से अभी सुबह सुबह इरिटेशन होगी क्योंकि भाई अपने पास इतने गैजेट से सब निकालना करना और वो करना वो तपाई काम है भयंकर इसलिए टाइम से निकलना जरूरी था कि अपन लोग सब कुछ ले लो आके पैक करके वापस खड़े हो जाएं ले इसके मेरे रख देते जूते आ गए आ जाएंगे बहुत सारे इसमें खुद के भी तो रखेगा वो मैंने पूरे अगले 5 दिन का कंटेंट शेड्यूल कर दिया है और ये लोग अपना अपना काम कर रहे हैं मैं अब सो रहा हूँ ये अपना अपना काम करके सब सो जाएंगे सुबह मिलते हैं सीधा बहुत मजा आने वाला है इस ट्रिप पे सो सुबह मिलते हैं गाइस और ये व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय